हेलो गुड इवनिंग नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे कॉल मार्क्स के बारे में कॉल मार्क्स के दो तीन सिद्धांत जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है आवाज चेक कर लीजिए ठीक है आज हम बात करेंगे दो तीन सिद्धांतों के बारे में जो कॉल मार्क्स के इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो कॉल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे क्या है वर्ग संघर्ष इसके बारे में हम पूरी की पूरी चीज पढ़ेंगे इसके बाद अधिसंरचना के बारे में पढ़ेंगे अधिसंरचना क्या है द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है? है इसके बारे में पढ़ेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को आप समझेंगे चार सिद्धांत है वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या है इसके बारे में जानना है अधिसंरचना क्या है इसके बारे में जान रहे हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है इसके बारे में जान रहे हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है इसके बारे में जानना है आप सभी जानते हैं कि कॉल मार्क्स के बारे में जब आप पढ़ते हो तो कॉल मार्क्स हमेशा ये बात कहते रहे कि जो अब तक का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है यानी दो वर्गों के बीच में संघर्ष हुआ और उसका इतिहास आपको देखने को मिलता है सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या है और वर्ग संघर्ष की अवधारणा से आप लोग क्या समझते हैं इसके अंदर कौन से कौन से पॉइंट है क्या आपको इससे समझना चाहिए देखो वर्ग संघर्ष के इतिहास की अगर हम बात करें आप सभी को पता है कॉल मार्क्स का जो जन्म है वो होने के बाद जर्मनी उनका जन्म हुआ और कौल मार्क्स ने हमेशा से कहा कि सबसे पहले बुर्जुआ हुआ करते थे यानी पहले उन्होंने कहा कि पहले उदारवाद था पूंजीवाद था उदारवाद पूंजीवाद जब आया तो समाजवाद की स्थापना करने के उन्होंने प्रयास किया और समाजवाद की स्थापना करने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्रांतिकारी तरीका अपनाया तो उसके माध्यम से उन्होंने साम्यवाद को स्थापित किया वर्ग संघर्ष की अवधारणा में जब आप पढ़ते हैं तो पॉइंट देखते हैं आप कार्ल मार्क्स का कहना है कि दुनिया में जो इतिहास रहा है वो शुरू से वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और कहते हैं कि दो वर्ग होते हैं एक वर्ग है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग अगर आप इसे पढ़ोगे तो कहते हैं कि क्लासेस जो होती है वो दो होती है एक होता है बुर्जुआ वर्ग जो कैपिटलिस्ट है उन्हें बुर्जुआ कहते हैं और दूसरा है लेबर जो श्रमिक है उन्हें श्रमिक कहते हैं कहते हैं दो वर्गों के हमेशा संघर्ष का इतिहास जो है वो इतिहास रहा है ऐसा कॉलमार्क्स ने कहा है कॉल मार्क्स आप तौर तो पे कहते हैं कि देखो वर्ग को अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के वर्ग आपको देखने को मिलते हैं एक होता है क्लास इन इट सेल्फ स्वयं वर्ग और एक होता है स्वयं के लिए वर्ग क्लास फॉर इट तो कॉल मार्क्स कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि जब बुर्जुआ वर्ग और सामान्य वर्ग श्रमिक वर्ग को आप पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि जो मजदूर वर्ग है उस मजदूर वर्ग की क्लास को आप बोलते हैं क्लास इन इट यानी स्वयं वर्ग यानी वो क्या करते हैं स्वयं वर्ग होते हैं

चेतना का अभाव रहता है नहीं रहता तो कहा कि इसमें चेतना का अभाव रहता है उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है उनमें हमेशा चेतना का अभाव अभाव को को देखने मिलेगा ये मजदूर वर्ग के बारे में मार्क्स कहते हैं मार्क्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा दूसरा जो वर्ग है अगर दूसरे वर्ग की बात करोगे तो यह है स्वयं के लिए वर्ग क्लास फॉर इट अब कहा यह क्या है कहा यह स्वयं के लिए वर्ग है यानी जब एक ग्रुप बनता है तो मजदूर में जब चेतना आ जाती है तो स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर और किसी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर का लेबर वेलफेयर के लिए बनाया गया ग्रुप इनमें क्या चेतना है तो कॉल मार्क्स कहते हैं कि जब मजदूर वर्ग में चेतना आ जाती है तो मजदूर वर्ग क्या करता है चेतना के बाद अपना ग्रुप बनाता है उस ग्रुप को आप लोग कहते हैं क्लास फॉर इट इसमें चेतना आपको देखने को मिलेगी इसमें चेतना को आप देख सकते हैं इसमें चेतना को आपको देखने को चेतना इसमें मिल जाती है और कॉलमार्क्स कहते हैं स्वयं के लिए जब वर्ग बनाया जाता है जैसे ही स्वयं के लिए वर्ग बनता है चेतना आ जाती है और जैसी चेतना आती है तो दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाते हैं और जब सारे मजदूर एक हो जाते हैं तो क्रांति करते हैं और क्रांति के माध्यम से वो साम्यवाद की स्थापना कर देते हैं तो वर्ग संघर्ष का इतिहास में कॉलमार्क्स ने कहा है कि आज तक का जो भी इतिहास रहा है आज तक का जो भी इतिहास रहा है वो सारा का सारा इतिहास जो है वो पूरा का पूरा इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और इस वर्ग संघर्ष के इतिहास में दो ही वर्ग मिलेंगे आपको एक आपको कहा गया एक आपको मजदूर वर्ग मिलेगा और दूसरा आपको बुर्जुआ वर्ग मिलेगा इन दोनों के मध्य आपको संघर्ष देखने को मिलेगा और जो श्रमिक वर्ग है इस श्रमिक वर्ग की दो क्लासेस होती हैं एक तो स्वयं ये ग्रुप होता है यानी इनका ग्रुप बन जाता है और ये काम कर रहे होते हैं एक जब ये स्वयं के लिए ग्रुप बनाते हैं इसमें चेतना का विकास होता है और जब चेतना का विकास आपको देखने को मिलेगा तो सारे मजदूर जो है एक हो जाते हैं और एक होके फिर क्रांति करते हैं और यही क्रांति से आप देखेंगे तो साम्यवाद की स्थापना करने की बात कॉल मार्क्स करते हैं तो ये एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे कहते हैं वर्ग संघर्ष का इतिहास बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है निकिता जी मोनिका जी ओके ये पॉइंट आप लोग की समझ में आया कि नहीं आया तो वर्ग संघर्ष के इतिहास में आपने दो चीजें नोटिस कर ली कि भाई वर्ग संघर्ष में ये दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने मैं बहुत ही सामान्य और कॉमन भाषा में बात कर रहा हूं मित्रों ये एक मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कॉल मार्क्स की थ्योरी में कॉल मार्क्स हमेशा ये कहते रहे कि देखो बुर्जुआ जो वर्ग है वो हमेशा मजदूर वर्ग का शोषण करता है बुर्जुआ के पास ज्यादा पैसा आ जाता है कैपिटलिस्ट ज्यादा पैसा कमा लेते हैं जब ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो ज्यादा पैसे से और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो मजदूर वर्ग का शोषण करते उनसे फैक्ट्री में काम करवाते उनसे घर बनवाते तो इसमें कॉल मार्क्स ने कई सारे सिद्धांत दिए कॉल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया कॉल मार्क्स कहते हैं कि जब बुर्जुआ वर्ग पैसे कमाता है तो पैसे फॉर एग्जाम्पल सौ रुपए की लागत लगाई और उसमें से हजार रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कॉल मार्क्स कहते हैं प्रॉफिट को मजदूरों में बांट देना चाहिए इसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कॉल मार्क्स ने कहा तो कई प्रकार के सिद्धांत दिए और यही कहा कि देखो इन दो वर्गों के मध्य आपको हमेशा से जो है हमेशा आपको जो है संघर्ष देखने को मिलेगा और मजदूर वर्ग जो होता है इसके पास चेतना का अभाव होता है जैसे चेतना आती है क्रांति करता है और क्रांति करके अपने हक को ले लेता है और हक लेने के लिए क्रांति की आवश्यकता पड़ती है उसके बाद ही साम्यवाद की स्थापना होती है ऐसा कॉल मार्क्स का सिद्धांत कहता है बात समझ में आई या नहीं आई चलिए इसीलिए कॉल मार्क्स कहते हैं दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ तुम्हारे लिए पाने के लिए पूरा जहान है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये इसका पॉइंट है आप इसको देख सकते हैं इसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखो द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो द्वंदात्मक भौतिकवाद जो कार्ल मार्क्स का है इसको इसने कहां से लिया है क्या पॉइंट है देखो द्वंदात्मक भौतिकवाद की अगर हम बात करें तो द्वंदात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स ने हीगल से लिया है कहां से लिया हीगल से यानी अगर एक भाषा में आप कहना चाहें तो ये हीगल से उन्होंने लिया है हीगल का पूरा का पूरा विचार है द्वंदात्मक भौतिकवाद का द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या कहता है जो कॉल मार्क्स की थ्योरी है ये द्वंदात्मक भौतिकवाद मार्क्स की जो थ्योरी है वो हीगल से थोड़ी सी अलग है और ये थ्योरी क्या कहती है आपको समझाता हूं इस थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो इस थ्योरी में आपको नजर आएगा कि हीगल का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है हीगल का जो भौतिकवाद है वो सामाजिक चेतना से है और मार्क्स का जो भौतिकवाद है वो भौतिक पदार्थों से है तो द्वंदात्मक भौतिकवाद इसको इसीलिए हमने नाम दिया है अब मार्क्स और हीगल में क्या डिफरेंस है इसको जानेंगे और मार्क्स क्या कहता है मार्क्स कहता है कि सबसे पहले विचार आता है विचार मतलब थीसिस मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं थीसिस आई विचार आया वाद आया उस विचार का प्रतिवाद आता है यानी एंटी थीसिस आती है ठीक है और उसके बाद क्या होता है संवाद बनता है यानी सिंथेसिस बनती है कहता है सबसे पहले विचार आएगा विचार उसके बाद क्या होगा कि विचार का प्रतिवाद आएगा यानी एंटी थीसिस आएगी और उससे संवाद बनेगा ऐसा कॉल मार्क्स कहता है कॉल मार्क्स से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पूंजीवाद आया पूंजीवाद एक विचार है और पूंजीवाद को के आप देखेंगे पूंजीवाद के विरुद्ध में विरुद्ध में सर्वहारा कौन आया यहां पर गलत लिखा है पूंजीवाद के विरुद्ध में आप देखेंगे तो कौन आया सर्वहारा आया कौन आया सर्वहारा आया और सर्वहारा ने साम्यवाद की स्थापना करी तो साम्यवाद क्या है संवाद है तो प्रश्न यहां से कभी-कभी एग्जाम में बन जाता है कि कॉल मार्क्स का वाद क्या था पूंजीवाद इसका एंटीथिसिस क्या था सर्वहारा और इसका संवाद क्या था तो वो था आपका साम्यवाद तो कॉल मार्क्स बड़ी सीधी सीधी सी बात करते हैं अगर आप इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ी सीधी सीधी सी बातें आप जानिए वो कहते हैं सबसे पहले पूंजीवाद आया सबसे पहले पूंजीवाद आया उसके बाद सर्वहारा आया और इसके बाद साम्यवाद की स्थापना हुई तो लोगों ने पूछा कि भाई विचार से मतलब क्या है तो कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले परेशानी आती है प्रॉब्लम आती है कोई विचार आता है आपके मन में कोई विचार आया पर उसका विचार का एक उल्टा विचार यानी उसका प्रतिवाद उसका उल्टा एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रतिवाद आपके मन में उत्पन्न होता है प्रतिवाद होता है विचार के लिए अगेंस्ट में उत्पन्न हुआ एक वाद यानी वाद आया उसका प्रतिवाद आपके दिमाग में आया एंटी आपके माइंड में आया उस एंटी थीसिस से फिर क्या निकलता है ये संवाद निकलता है अब यही हीगल ने सोचा था और यही कॉल मार्क्स ने सोचा इन दोनों में अंतर क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है कॉल मार्क्स ने कहा कि देखो जी है ऐसा कि जो विचार आता है ये भौतिक पदार्थ है अब दोनों में डिफरेंस क्या हीगल ये कहता था कि सामाजिक चेतना सामाजिक चेतना से आप दुनिया बदल सकते हो मनोविज्ञान से आप दुनिया बदल सकते हो लेकिन मार्क्स ने कहा कि नहीं भौतिक पदार्थों से आप दुनिया बदल सकते हो यानी हीगल कहता था कि पहले विचार आएगा तब आप चीजों की स्थापना करोगे तब आप सारे काम करोगे पैसे कमाओगे ये करोगे लेकिन मार्क्स कहता है नहीं मार्क्स कहता है कि भैया पहले सबसे पहले आप अगर आपके पास बेरोजगारी है आपके पास पैसे नहीं है आपके पास गरीबी है तो आप उस अवस्था को अगर ठीक करोगे तब आपके पास जो है, तब आप सामाजिक व्यवस्था की स्थापना अच्छे से कर पाओगे ए, दोनों में वो कहता है कि दिमाग से और वो कहता है कि पदार्थ से यानी आपसे अगर कहा जाए कि अंडा पहले आया मुर्गी वही वाली बात है यहां पर तो यानी अगर हीगल से कहा तो हीगल कहता है चेतना पहले आई विचार पहले आया चेतना के माध्यम से और मार्क्स कहता है नहीं भौतिक पदार्थों की भौतिक स्थिति के माध्यम से आप सामाजिक अवस्था के बारे में बहुत जो है मार्क्स बात करता है तो इसीलिए मार्क्स का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद आप इसे नाम देते हो मार्क्स क्या कहता है कि विचार आया आपकी स्थिति खराब थी क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे आप बेरोजगार थे आपके पास गरीबी थी तो आपके विचार आया कि पूंजीवाद हमें खराब कर रहा है इसके प्रति सर्वहारा आया और फिर आपने क्रांति करके साम्यवाद की स्थापना कर दी तो हीगल कहता है कि मार्क्स कहता है कि हीगल उल्टे पैर खड़ा हुआ था मैंने उसे सिर के बल खड़ा कर दिया क्योंकि हीगल के विचार विचार से भौतिकवाद आ रहा था और इसने कहा कि नहीं पहले भौतिकवाद से विचार की तरफ लेके चला गया तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन एक आदमी क्या कहता है हीगल क्या कहता है कि आपके मन में विचार आया और मार्क्स क्या कहता है कि नहीं आपकी स्थिति खराब है तब आपके मन में विचार आया तब आपके पास पैसे नहीं है बेरोजगारी है तब आपके मन में विचार आया तो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो ये है ये द्वंदात्मक भौतिकवाद है जो काफी फेमस है इसमें आप कह सकते हैं कि हीगल से तुलना कराने की पूछ लेगा तो मेन मकसद यही है कि मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद भौतिकवाद पर आधारित है और हीगल का चेतना यानी सामाजिक चेतना पर आधारित है और ये बनता कैसे तो इसमें विचार पूंजीवाद है प्रतिवाद सर्वहारावाद है और संवाद आप देखेंगे तो आपका साम्यवाद आपको देखने को मिलेगा ये यह यहां पर जो लिखा है ये प्रतिवाद लिखा है इसको आप एंटी थीसिस के नाम से भी जानते हैं कि व्हाट इज द प्रतिवाद तो ये हो गया द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में अगर आप आग बात करें तो द्वंदात्मक भौतिकवाद का पॉइंट था अब एक और टॉपिक आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद ये भी आप देखेंगे तो कॉल मार्क्स का ही है ऐतिहासिक देखो द्वंदात्मक भौतिकवाद आपने समझ लिया कि द्वंद चल रहा था और द्वंद में आपका विचार आता है विचार के बाद आपने स्थापना कर दी ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स क्या कहता है मार्क्स कहता है कि देखो जी एक था आदिम समाज तो इसमें इसने चरण बताया इसने कहा है कि पांच चरण रहे समाज के ऐतिहासिक भौतिकवाद जब आप मार्क्स का पढ़ोगे तो कहता है कि समाज के पांच चरण रहे हैं चरण नंबर वन चरण नंबर टू थ्री और फोर और फाइव कहता है एक आदिम समाज था फिर प्राचीन समाज बना फिर सामंतवादी युग बना फिर पूंजीवादी युग बना और फिर साम्यवादी युग की स्थापना लास्ट में होती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो आदिम समाज था वो शिकार पर निर्भर करता था लोग शिकारी थे जो समाज था वो शिकारी समाज था लोग शिकार किया करते थे तो कोई वर्ग नहीं था यानी आप शुरू की बात करो इतिहास की जब धरती बनी तो लोग कैसे हुआ करते लोग शिकारी थे भाई लोगों को क्या मतलब था लोग को एक को मार के लेके खान के आना है लोग गए और जंगल में चले गए किसी ने जो है वहाँ हिरण मार लिया तो किसी ने जो है जंगल में जाके हिरण की जगह पर किसी ने जो है भैया कोई और लोमड़ी वोमड़ी मार ली तो अब होता गया था कि वो आदिम समाज था तो लोग कैसे थे लोग एकदम जंगली शिकारी लोग थे तो कोई वर्ग नहीं था कोई जाति नहीं थी कोई बुर्जुआ नहीं था किसी के पास बहुत पैसे नहीं थे कोई बहुत गरीब नहीं था सबके पास पैसे थे यानी सबके पास कुछ भी नहीं था यानी भैया सबके सबका हालत जो है सबकी गरीबी में गंगा ठीक है सबकी हालत ऐसी थी सबके पास गरीबी गरीब थी तो कोई क्लास ही नहीं था कि तुम ऑडी वाले हो तुम मर्सिडीज वाले हो के मैं गरीब हूं सब एक जैसे थे कोई क्लास नहीं थी कोई वर्ग नहीं था सब आदिम समाज था सिर्फ समाज का काम क्या था शिकारी समाज इसके बाद क्या हुआ प्राचीन समाज आया अब प्राचीन समाज आप देखेंगे इसने कृषि करी धीरे धीरे मानव क्या सीख गया मानव कृषि करना सीख गया मानव पशुपालन करना सीख गया यानी मानव ने कृषि कर ली मानव पशुपालन करने लग गया अब जैसे ही मानव ने कृषि करी जैसे ही मानव ने पशुपालन करा तो आप नोटिस करेंगे कि स्वामी और दास की प्रथा आने लगी यानी व्यक्ति के अंदर चेतना आई और चेतना से व्यक्ति ने कृषि करी अब जो खेत करवा रहा है वो स्वामी हुआ और जो खेत कर रहा है वो दास हुआ तो कृषि जैसी आई तो आपने देखा वर्ग की उत्पन्नी हुई एक स्वामी का वर्ग बन गया और एक दास का वर्ग बन गया अब समाज कैसी है तो समाज कृषि करने वाली है समाज पशुपालन करने वाली है आप अपने गांव में देखेंगे या बचपन में आप देखेंगे कि आदमी बचपन में बच्चा होता कुछ नहीं करता है या आप सोच के देखो अगर कि आदमी कहीं पैदा हुआ हो तो पहले कुछ नहीं करता है सब शिकारी विकारी बाद में जब कृषि करने लग गया तो उसके मन में विचार आया कि किसी के पास स्वामी है और कोई कौन है दास है इसके बाद आप देखेंगे तो सामंतवादी युग आया इसके बाद आप नोटिस करेंगे तो सामंतवादी युग आया अब सामंतवादी युग क्या होता है सामंतवादी युग में सामंतवादी प्रथा आ गई सामंतवादी मतलब लोगों ने कृषि करी जब लोगों ने कृषि करी तो उनको पैसे की आवश्यकता पड़ी और कुछ लोगों ने पैसे ज्यादा कमा लिए वो सामंत बन गए और अब सामंत और जनता आपको देखने को मिलेगी फॉर एग्जाम्पल आप खेती करने लग गए आपने खेती से पैसे कमाए कृषि करी आपने आपके पास इकट्ठा हो गया जब आपके पास मित्रों धन इकट्ठा हो जाएगा तो आप कौन बन जाएंगे आप सामंत बन जाएंगे यानी आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो आप कौन हो गए आप सामंत हो गए तो आप सामंतवादी व्यवस्था हो गई ये सामंत और जनता का वर्ग बन गया इसके बाद आप देखेंगे तो पूंजीवादी युग आया कैपिटलिस्ट इसके बाद औद्योगिकरण हो गया और जब औद्योगिकरण हो गया औद्योगिकरण में आप देखेंगे औद्योग लग गए और इसमें सर्वहारा वर्ग और इसी में आप देखेंगे बुर्जुआ वर्ग इन दोनों की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है तो औद्योगिकरण का जब युग आया उस औद्योगिकरण के युग में सर्वहारा बना और बुर्जुआ बना ये दो की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है इसके बाद फिर मार्क्स कहता है क्रांति हुई और क्रांति के बाद मार्क्स कहता है कि साम्यवादी युग की स्थापना हुई समान समाज वर्ग का स्थापना हुई और वर्गहीन राज्य राज्य की स्थापना की कॉल मार्क्स बात करता है तो अगर आप मेजर इस सारणी को देखेंगे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम में देखने को मिलता है कि आदिम साम्यवाद या आदिम समाज आदिम समाज की बात कर लो आदिम समाज में समाज कैसा था शिकारी समाज था अगर आपसे प्रश्न बनता है कि आदिम समाज में समाज शिकारी समाज था और कोई वर्ग नहीं था प्राचीन समाज की बात करो तो प्राचीन समाज कृषि थी पशुपालन था और स्वामी और दास की प्रथा आपको देखने को मिलती थी सामंतवादी युग की बात करो तो सामन, सामंत थे और इसमें सामंतों तो ने कृषि करी इसके बाद सामंत और जनता के वर्ग आपको देखने को मिलेंगे फिर औद्योगिकरण आया है तो पूंजीवादी युग है इसमें औद्योगिकरण हुआ और सर्वहारा और बुर्जु आपको देखने को मिलेगा और साम्यवादी में समान समाज है सर्वहारा और वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी तो मित्रों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं ये आपको देखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद कॉल मार्क्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मुझे लगता है कि आपको याद कर लेना चाहिए और इसको याद करने के लिए आपको चरण और समाज को समझना है अब सोच के देखो पहला चरण में तो शिकारी होगा सेकंड चरण में कृषि हुई थर्ड चरण में कृषि ज्यादा हो गई फोर्थ चरण में औदोही आ गया पांचवें चरण में सब कुछ खत्म हो गया और साम्यवाद की स्थापना होगी तो कोई बड़ी बात तो नहीं है लेकिन आपको जो चरण के माध्यम से इसकी याद करने का तरीका आपको आना चाहिए तो मुझे लगता है द्वंदात्मक भौतिकवाद ये आपके समझ में आ गया द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है और ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है कि कैसे इतिहास से आप देखेंगे कैसे डेवलपमेंट हुआ तो इट इज कॉल्ड ऐतिहासिक भौतिकवाद ये दोनों की दोनों जानकारियां मित्रों आपको हो चुकी हैं अब आता है सब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात बात करें अगर हम बात करें कि भाई सोशियो इकोनॉमिक जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है सामाजिक आर्थिक संरचना देखो इसमें दो चीजें हैं एक होती है अधो संरचना और एक होती है अधिसंरचना यानी कॉल मार्क्स का सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसके आपको दो कॉन्सेप्ट जो हैं ये कॉल मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं एक कॉल मार्क्स कहते हैं कि एक होती है अधो संरचना और दूसरी को कॉल मार्क्स कहते हैं कि भैया दूसरी जो होती है उसको आपने नाम दिया है अधिसंरचना यानी सब इंफ्रा और सुपर इंफ्रा यानी इसको आप नाम देते हैं सब इंफ्रा सब इंफ्रा और इसको आप नाम देते हैं सुपर इंफ्रा यानी ये आप समझेंगे सामाजिक आर्थिक अधिसंरचना का सिद्धांत मार्क्स का क्या कहता है यह मार्क्स का सिद्धांत जब आप इसे पढ़ेंगे मार्क्स कहते हैं कि अधोसंरचना सब इंफ्रा कहते देखो ये ऊपर की बात है कि जब समाज है आपका और समाज में उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध उत्पादन की शक्तियां मतलब क्या होता है जैसे फैक्ट्री है अब उत्पादन की शक्ति है फैक्ट्री उत्पादन के संबंध यानी फैक्ट्री हो गया या आपने कोई मान लो माइन हो गई इस पर जिस वर्ग का कब्जा रहेगा उत्पादन की फैक्ट्री माइन कोल इस पर जिस वर्ग का कब्जा रहेगा इसे कहते हैं सब इन्फ्रा यानी अधो संरचना पर जिस वर्ग का कब्जा रहेगा वो वर्ग अधिसंरचना सुपर इंफ्रा का निर्माण करेगा यानी अब मान के चलो वर्तमान समय में अंबानी जी का कब्जा हो उत्पादन की शक्तियों पे फैक्ट्री पे माइंस पे कोल ब्लॉक पर सब पर जो है उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंध में यानी सब इन्फ्रा अधो संरचना के ऊपर जिस वर्ग का कब्जा हो अब अधो इंफ्रा का मतलब क्या है मेरे मित्रों सपोज करो कि भाई अधो इंफ्रा पर मतलब जिस वर्ग का कब्जा हो जिस वर्ग का कब्जा हो तो वो वर्ग क्या करेगा अधिस संरचना सुपर इंफ्रा पे भी बाद में उसी का उसी का कब्जा हो जाएगा इसे संचित वर्ग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फिर वो क्या करेगा फिर वो क्या करेगा धर्म को अपने अंडर ले लेगा कानून को अपने अंडर ले लेगा संस्कृति को अपने अंडर ले लेगा राज्य को अपने अंडर ले लेगा कॉल मार्क्स क्या कहते हैं कॉल मार्क्स कहते हैं कि पहले जो बुर्जुआ वर्ग है ना उस बुर्जुआ वर्ग ने उत्पादन की शक्तियों पर अपना कब्जा किया उत्पादन की शक्तियों पर बुर्जुआ वर्ग ने अपना कब्जा किया ठीक है फिर क्या किया उत्पादन के संबंध पे बुर्जुआ वर्ग ने अपना कब्जा किया उत्पादन की शक्तियों उत्पादन के संबंध दोनों पे बुर्जुआ वर्ग ने अपना कब्जा कर लिया ठीक है मित्रों आपको ध्यान देना है उसके बाद क्या हुआ कि सुपर इंफ्रा उसका हो गया अधिसंरचना भी उसकी हो गई उसने धर्म पे कब्जा कर लिया ये तो कॉल मार्क्स कहता धर्म गफी में यानी धर्म पर कब्जा कर लिया आदमी को पागल कर दिया क्योंकि पैसे कमा लिए और पैसे से धर्म को कंट्रोल कर रहे हैं कानून पे कब्जा कर लिया आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते संस्कृति उनकी हो गई उन्होंने अपने तरीके से कपड़े पहनने सिखा दिया और उन्होंने ही राज्य पे कब्जा कर लिया तो अगर जिस व्यक्ति ने जिस समाज ने उत्पादन की शक्ति उत्पादन के संबंध में यानी सब इंफ्रा पे कब्जा कर लिया तो वो अपने आप सुपर इंफ्रा का निर्माण करता है और धर्म कानून संस्कृति और राज्य पे अपना कब्जा करके संसाधनों पर अपने अधिकार कर लेता है और उन संसाधनों को अपने हितों के लिए प्रयोग करता है ये बुर्जुआ वर्ग ने किया और जब ये बुर्जुआ वर्ग कर देता है उस समय जो 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 मजदूर वर्ग है उसमें चेतना का अभाव रहता है क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोचता है जब ग्रुप इट नहीं होता है लेकिन जब बाद में मजदूर वर्ग में चेतना का विकास होता है तो मजदूर वर्ग क्रांति करता है और क्रांति करके साम्यवाद की स्थापना करता है तो यही कॉल मार्क्स के विचार हैं जो आपको हर पॉइंट पे नजर आ रहे हैं यही मार्क्स कहता है कि इस माध्यम से ही पहले अधोसंरचना पे कब्जा किया फिर सुपर इंफ्रा पे कब्जा किया इस प्रकार से बुर्जुआ वर्ग का विचार आया और उसी बुर्जुआ वर्ग को आप लोग क्या कहते हैं पूंजीवादी वर्ग कहते हैं यही यही पॉइंट आप मार्क्स के त्मक भौतिकवाद में जोड़ सकते हैं आप कह सकते हैं कि यही बुर्जुआ वर्ग आया ये एक वाद है ये थीसिस है और इसके विरुद्ध में सर्वहारा वर्ग खड़ा हुआ जब सर्वहारा वर्ग में चेतना का विकास हुआ तो एंटी थीसिस आई और चेतना के विकास के बाद सर्वहारा वर्ग ने क्रांति करी और साम्यवाद की स्थापना करके एक राज्यहीन और एक समाजहीन जो है समाज की स्थापना जो है वर्गहीन और राज्यहीन वर्गहीन क्लासलेस और वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना जो है वो लास्ट में हो जाती है तो आप इन सब चीजों को जोड़ेंगे अगर मित्रों अगर आप कॉल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं जो आपको देखने को लग रही होंगी तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे जब भी आप इस देखेंगे ये यह यहां सबो इंफ्रा लिखा हुआ है थोड़ा जल्दी में आ, क्लास जो है ली जा रही है आप लोगों की थोड़ा समय की अभाव था तो यहां आप सोशियो इनको सोशियो इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक इंफ्रा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक जो है उसके बारे में हमने बातचीत करी है मुझे लगता है ये पॉइंट आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आ गया है कि इस पॉइंट में हम क्या कहना चाहते हैं तो अगर आप इन चीजों को रिलेट करोगे अगर आप इन चीजों को रिलेट करोगे जैसे ये यहां पर आप देखेंगे ठीक है तो अगर इन चीजों को आप रिलेट करोगे तो रिलेट करने से आपकी चीज समझ में आ जाएगी जैसे हमने कॉल मार्क्स के बारे में बात करी तो कॉल मार्क्स में क्या क्या है वर्ग संघर्ष कॉल मार्क्स के तहत दो प्रकार के वर्ग हैं एक कहता है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और वर्ग संघर्ष के इतिहास में दो वर्ग रहे हैं एक कहता है कि मजदूर वर्ग रहा है मेरे मित्रों और एक कहता है कि बुर्जुआ वर्ग रहा है ये दोनों वर्गों में आपस में लड़ाइयां होती रही हैं और वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और वर्ग संघर्ष में कॉल मार्क्स क्या कहता है कि जो वर्ग जो बुर्जुआ वर्ग है उसका जो पहला वर्ग था जो क्लास थी उसमें वो उसमें चेतना का अभाव होता है यानी बुर्जुआ वर्ग में नहीं मजदूर वर्ग में और जब चेतना का विकास होता है मजदूर वर्ग में तो क्रांति करता है और क्रांति करके साम्यवाद की स्थापना करता है ये इसका जो है आप ये कह सकते हैं कि वर्ग संघर्ष का इतिहास आपको